Hello, dear students. I hope you all are fit and fine. So, हमने अपने previous video में amoeba and उसमें किस type का mode of nutrition होता है, उसके बारे में काफी detail में study किया था. आज की जो video हमारी रहेगी, वो रहेगी heterotrophic nutrition और उसमें भी कि humans में digestion कैसे होता है, उसके बारे में. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक वी ऑलरेडी नो दैट जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए वो हमारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. एंड ओमनिवोरस मींस जो भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं. सो ह्यूमन बीइंग्स क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं. वे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है. अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप उसको जरूर देख लें. जो ह्यूमन डाइट होती है उसमें कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इस वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड से. ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है. So, हमने देखा था हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है. तो इसलिए हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है विद मस्कुलर वॉल्स एंड ये कैनाल एक्सटेंड करती है माउथ टू द एनल ओपनिंग जिसको हम एनस बोलते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में. सो वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज माउथ, सेकेंड वन इज बक्कोफेरिंजियल कैविटी, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम. इस डायग्राम को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, सो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं. एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें मस्कुलर वॉल्स हैं. जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक्सटेंड करती है माउथ से. देखो ये वाला रीजन क्या है, हमारा माउथ है. ये माउथ से स्टार्ट होगी एंड एंड होगी एनल रीजन पे जिसको हम बोलते हैं एनस. ठीक है, माउथ से एनस तक ये एक्सटेंड करेगी. सो वन बाय वन हम इनके सारे ऑर्गन्स को देखते हैं. फर्स्ट वन इज माउथ. माउथ क्या है? अपर मोस्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की. यहाँ से फूड का इनटेक किया जाता है. ठीक है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं देन वो लीड करता है माउथ कैविटी में जिसको हम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. जो हमारी माउथ कैविटी होती है ये लार्ज स्पेस होता है यहाँ पे जो बाउंड किया जाता है बाय द पैलेट. पैलेट अब हम देखते हैं जो हमारी टंग होती है जब हम उसको अपर रीजन पे टच करते हैं तो हमें थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है. इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट. एंड जब हम लोअर सरफेस को टच करेंगे अपनी टंग से तो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट. अब ये जो हमारा हार्ड पैलेट है ना, ये देखो ऊपर इसके क्या है, नोज है. नीचे क्या है इसके, यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रखी है मींस डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये क्या करेगा, हार्ड पैलेट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है. ठीक है, देन बक्कल कैविटी के बाद में हम देखते हैं फेरिंग्स. अपर जो नेक वाला रीजन है वहां पे फेरिंग्स मिलेगा. फेरिंग्स एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड कैनाल होता है जो एक पैसेज की तरह एक्ट करेगा. अब देखो यहाँ पे किसके बीच में पैसेज की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ से बक्कल कैविटी एंड यहाँ से फिर ओसोफेगस.
सो ओसोफेगस एंड बक्कल कैविटी के बीच में क्या है, एक पैसेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। देन फिर हमारा फेरिंग्स के बाद में आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, एक लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को कैरी करता है फेरिंग्स से, कहाँ पे लेके जाता है, स्टमक में लेके जाता है। स्टमक हमारा वाइड जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, ठीक है। जब इसमें फूड आता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, एंड जब फूड नहीं होगा तो ये इसकी जो वॉल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है ना। देन फिर स्टमक के बाद में जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखो ये वाला रीजन, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन वहां पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो थ्रो आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे हम लीवर एंड पैनक्रियास को भी देखेंगे क्योंकि इनका भी मेजर रोल रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वाला जो डायग्राम है ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम कुछ मेन ऑर्गन्स देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के एंड उनसे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा माउथ। माउथ क्या है, अपर मोस्ट ओपनिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये पैसेज होता है फॉर इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, यहां से हम फूड का इनटेक करते हैं। ये गार्ड किया जाता है बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स जो ओपन करते हैं इन द बक्कल कैविटी, जो कहाँ पे ओपन होंगे, बक्कल कैविटी में। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बक्कल कैविटी। जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो वो लीड करता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं और ये बाउंडेड होता है बाय द पैलेट, दो टाइप, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो ह्यूमंस होते हैं ना उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी में ही, जहाँ पे हम फूड को च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, चबाना स्टार्ट कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है अबाउट जो डाइजेशन होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, लेकिन ये गलत है। जो डाइजेशन होगा ना हमारे फूड का वो स्टार्ट हो जाएगा ओरल कैविटी में ही, क्योंकि ओरल कैविटी में ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रेट कर देते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो गया और टाइलिन हो गया। सलाइवरी अमाइलेज के साथ में लाइसोजाइम भी सिक्रेट किया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, एंड जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इंटू माल्टोज में, ठीक है। यहाँ पे जो सलाइवा होता है उसमें म्यूकस भी होता है जो हमारे जो फूड है उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा, एंड उसको हम फाइनली बोलेंगे बोलस, ठीक है ना। सो ये हमारा बक्कल कैविटी में था जिसमें जो स्टार्च है वो कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। जो स्टार्च होता है इसके बारे में हम देखेंगे, जो स्टार्च है ये बहुत सारी ग्लूकोज की ऐसी यूनिट्स होती हैं, वो आपस में ज्वाइन कर जाती हैं और फिर वो क्या बनाती है, स्टार्च बनाती हैं। सो जो टाइलिन और जो सलाइवरी अमाइलेज होगा वो इन जो इन ग्लूकोज की जो यूनिट्स है इनको दो दो यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, एंड उसको हम बोलते हैं माल्टोज। सो माल्टोज क्या हो गया, डाइसेक्राइड हम इसको बोल सकते हैं। डाइसेक्राइड क्यों, डाई मतलब टू एंड सेक्राइड मतलब शुगर, यानी कि जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स हो, मींस यहाँ पे दो ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। सो यहाँ पे सिंगल यूनिट क्यों नहीं ब्रेक डाउन की गई, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझो कि जो स्टार्च है ये सिंगल यूनिट में ही क्यों नहीं ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बक्कल कैविटी होती है उसमें पार्शियल डाइजेशन ही होता है। कंप्लीट डाइजेशन हम देखेंगे फर्दर, हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन किस ऑर्गन में होता है। अभी हमें याद रखना है कि जो फूड हमने इनटेक किया है उसमें जो भी स्टार्च होगा उसको बक्कल कैविटी के अंदर टाइलिन और जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होगा उसकी हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जो माल्टोज होगा वो दो ग्लूकोज यूनिट का होगा, ठीक है, इतना आपको समझ। बक्कल कैविटी को पढ़ने के बाद हम देखते हैं टिथ के बारे में। जो ह्यूमंस में टिथ होंगे वो हेटेरोडोंट एंड डायोफायोडोंट टाइप के होंगे। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है,
जो टिथ होते हैं वो चार टाइप्स के पाए जाएंगे, एंड डायोफाइडेंट का मतलब क्या है, जो टिथ होंगे वो टू टाइम आएंगे लाइफ में, एक जो सेट होगा उसको हम टेम्परेरी सेट बोलते हैं एंड दूसरे जो टिथ का सेट आएगा वो होगा परमानेंट सेट। जो टिथ होंगे वो चार टाइप्स के पाए जाएंगे, फर्स्ट वन इज इंसीजर जो कि बाइटिंग द फूड, फूड को काटने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज कैनाइन जो कि वियरिंग एंड टियरिंग, फूड को फाड़ने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। प्रीमोलर एंड जो मोलर होते हैं वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मतलब पीसने में हेल्प करेंगे फूड को, ठीक है। अब हम देखते हैं फूड का डेंटल फॉर्मूला। फूड का डेंटल फॉर्मूला देखने से पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ टिथ हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो हम सबको पता है 32 टिथ्स हमारे ह्यूमंस में पाए जाते हैं। जो इंसीजर होता है वो 4 होते हैं, ठीक है। केनाइंस होते हैं वो 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं एंड मोलर 6 होते हैं, ठीक है। हम इसका जो डेंटल फॉर्मूला है ये लिखेंगे। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी इमेज में बता देती हूँ, ये जो वाला रीजन है ना इसको हम बोलेंगे अपर जो एंड इस वाले रीजन को हम बोलते हैं लोअर जो, ठीक है। हम जो डेंटल फॉर्मूला है उसको लिखते टाइम अपर जो बाय लोअर जो लिखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं केनाइन इंसीजर्स, 2 इंसीजर्स पाए गए हैं अपर जो में भी एंड लोअर जो में भी, ठीक है। देन इंसीजर्स के बाद में केनाइंस, 1-1 केनाइन पाया गया है अपर एंड लोअर जो दोनों में। देन फिर हमारे पास है प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स अपर जो में, 2 प्रीमोलर्स लोअर जो में। देन हमारे पास क्या है मोलर्स, 3 मोलर्स अपर जो में एंड 3 मोलर्स हमारे पास है लोअर जो में। एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इस बात को समझना है। ये जो हमने लिखा है ना ये इतने वाले पोर्शन का लिखा है, ठीक है। जैसे हम अपर जो का लिख रहे हैं तो इतने वाले पोर्शन का हमने लिखा है, तो इस वाली साइड भी अभी तो सेम ही टिथ पाए जाएंगे ना, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फिर हमारे पास जो टोटल टिथ आएंगे, देखो 2 2 4, 4 + 2, 4 + 2, देन फिर 2 2 4, उसको भी प्लस करते हैं। देन 2 3 6, ये जो टोटल है ये है 16 जो कि हमारे अपर जो में पाए गए हैं टोटल। एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे देखो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर प्लस करो, देन फिर 1 से, देन फिर प्लस, देन फिर 2 से एंड देन 3 से, एंड ऐसे क्या कर दिया हमने अपर जो का आ गया हमारा 16। ऐसे ही हम क्या करेंगे लोअर जो का निकालेंगे वो भी 16 आएगा एंड टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 32 टिप्स हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल होती है जो एक पैसेज की तरह सर्व करती है फूड के लिए फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू ओएसोफेगस। बक्कल कैविटी से फूड को कहाँ पे लेके जाएगी, ओएसोफेगस में लेके जाएगी, ठीक है। और हमें पता है फूड को वहां पे क्या बोला गया, बोलस बोला गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो फेरिंग्स होता है ये एक पैसेज की तरह एक्ट करेगा और कहाँ पे जो हमारा बोलस होता है वो बक्कल, उसको बक्कल कैविटी से ओएसोफेगस तक लेके जाता है। देन हमारा जो बोलस है वो ओएसोफेगस में आ जाता है। ओएसोफेगस एक लॉन्ग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बोलस को कैरी करता है फेरिंग्स से स्टमक में। इसकी जो वॉल्स होती है वो हाईली मस्कुलर होती है। ये बात ध्यान में रखना है जो हमारा ओएसोफेगस होता है वहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। उस वाले रीजन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। जो ओएसोफेगस होगा ये इनफेक्ट थोड़ा सा म्यूकस ऐड कर देता है हमारे फूड में ताकि वो और थोड़ा सा स्लिपरी हो सके और वो इजिली मूव कर सके। जो हमारा ओएसोफेगस होगा इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी होती है, कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होती है वॉल्स की,
ठीक है, जो पुश करने में हेल्प करती हैं, जो फूड होता है, जो हमारा बोलस है, उसको स्टमक में पुश करने में हेल्प करेंगी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स, उनको हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्टमक। स्टमक वाइड सी शेप्ड और जे शेप्ड मस्कुलर सेक होता है, जो हेल्प करता है फूड के ब्रेकडाउन में। स्टमक मेनली फोर मेन फंक्शंस सर्व करता है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। ये वेरिएबल ड्यूरेशन पर फूड को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो स्टमक में 1 to 2 आवर्स तक रहते हैं, प्रोटीन्स 3 आवर्स तक, एंड जो फैट्स होते हैं वो 3 to 6 आवर्स तक। सो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन पे स्टमक में कौन स्टोर रहेगा, वो रहेगा फैट। ठीक है, देन स्टोरेज के बाद में आता है हमारे पास पार्शियल डाइजेशन। जो स्टमक होता है उसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं उसके इनर सरफेस के ऊपर। सो वहां पे बहुत 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड म्यूकस। सो वो क्या करेगा, फूड का पार्शियल डाइजेशन करता है वहां पे। हम आगे थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में देखेंगे। देन जो थर्ड फंक्शन है वो है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। मैकेनिकल चर्निंग में क्या होगा, जो स्टमक की वॉल होती है ना, वो पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है उसमें, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो चर्न्ड और मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में। देन जो फोर्थ फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स यहाँ पे जो स्टमक होगा वो रेगुलेट करेगा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसके फ्लो को, कि वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। ठीक है, सो ये रेगुलेशन का वर्क भी करता है। स्टमक के बारे में हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि जो स्टमक है वो जे शेप का पाया गया है। अब जो स्टमक होगा उसमें जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसमें अब क्या क्या होगा, उसमें HCl होगा, म्यूकस होगा, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होंगे। अब हम वन बाय वन इनका फंक्शन देखते हैं। HCl क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करेगा, और ये एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर पेप्सिन एक्टिवेट हो सके, वो अच्छे से एक्ट कर सके। देखेंगे हम पेप्सिन का वर्क क्या है। देन हम देखते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम HCl। हमें पता है जो HCl होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये अगर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा स्टमक की वॉल के साथ में, देन ये क्या कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। सो म्यूकस क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा स्टमक की लाइनिंग को, सो दैट वो उसके HCl के इफेक्ट से बच सके। देन हम देखते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स। सो जो फर्स्ट एंजाइम होगा वो होगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन यहाँ पे एक्ट करेगा जिसमें जो प्रोटीन होगा वो कन्वर्ट करेगा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा पेप्सिन। लेकिन इसके लिए सबसे नेसेसरी क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम। जो पेप्सिन है वो तभी वर्क कर पाएगा तब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड होगा, एंड ये जो एसिडिक मीडियम होगा ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा HCl। ठीक है, सो HCl किसके लिए काम करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करने में, ताकि वो प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर सके। देन जो सेकेंड जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन मेनली इन्फेंट्स में पाया जाता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड वन इज लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट एंड वाटर को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पे हमने देखा गैस्ट्रिक एंजाइम्स के बारे में, HCl के बारे में, म्यूकस के बारे में, एंड उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नाउ जो स्टमक है उसमें जो पार्शियली डाइजेस्टेड और चर्न फूड था वो अब किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये नैरो ट्यूब होती है 6 मीटर की, जो कोइल्ड के फॉर्म में पाई जाती है। देखो यहाँ पे इस इमेज में देखो, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर पाया गया है यहाँ पे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्गर होता है हर्बीवोर्स में एंड शॉर्टर होता है कार्निवोर्स में। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर ग्रास के ऊपर, एंड जो उसमें क्या होता है सेल्यूलोज होता है, एंड सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए उसमें क्या होता है, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए उसमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, वेयर एज जो कार्निवोर्स होते हैं वो फीड करते हैं मीट के ऊपर और अदर एनिमल्स के ऊपर। सो जो मीट होता है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, सो उसमें क्या होता है स्मॉल और शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन स्टार्ट होगा जब एसिडिक जो फूड है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा स्टमक था उसमें एचसीएल की वजह से फूड किसमें कन्वर्ट किस कैसा था, एसिडिक मीडियम का था, मतलब खट्टा था, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आएगा, जब तभी डाइजेशन स्टार्ट होगा जब उसको एल्कलाइन में ना कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। एल्कलाइन जो मीडियम है वो अब कैसे आएगा, फूड को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उस मीडियम में, सो बाय द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रेशन से जो फूड है, जो स्टमक से जो फूड एसिडिक फूड आया है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम लीवर के बारे में देखते हैं। जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रेट करता है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बाइल स्टोर्ड रहता है। देन फिर लीवर क्या करता है, जब भी उसको नीड होती है वो उस बाइल को सिक्रेट करता है। अब उस बाइल में क्या होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे और बाइल सोल्ट्स होंगे। ये जो सोल्ट्स होते हैं बाइल सोल्ट्स, ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन जो फैट के लार्ज पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है उनको, ठीक है। सो यहाँ पे जो बाइल बाइल जूस या बाइल पिगमेंट्स होंगे ये क्या करेंगे, फूड को एल्कलाइन बनाएंगे, वेयरएज जो बाइल सोल्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे फैट का। देन हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसका जो एक्सोक्राइन रीजन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। एंडोक्राइन जो रीजन होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकाजन। जो बायोकार्बोनेट आयन्स होंगे ना, जो कौन सिक्रेट कर रहा है, एक्सोक्राइन रीजन सिक्रेट कर रहा है पेनक्रियास का, वो क्या करेगा, मीडियम एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा, ठीक है, फूड को कहां से एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। अब जो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये जो पैनक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें फर्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करेगा स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। देन जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करेगा, लिपिड्स का फैट का ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होता तब तक जो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। एंड हमें पता है इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है, लीवर में जो बाइल सोल्ट जो सिक्रेट किया जाता है वो क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। एंड इमल्सिफिकेशन जब हो जाएगा तो लाइपेज जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा वो अच्छे से वर्क कर पाएगा और वो लिपिड को ब्रेक कर पाएगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। फर्स्ट इज माल्टेज, जो कि माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। देन लैक्टोज, लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, किसके हेल्प से, लैक्टेज की हेल्प से। देन पेप्टाइड्स और डायपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स, यहाँ पे क्या हो जाता है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है जो प्रोटीन्स होती है वो किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां इसमें जो पेप्टाइड्स और डायपेप्टाइड्स होता है इसको किसमें ब्रेक डाउन किया जाता है, अमीनो एसिड्स में इनका डाइजेशन होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये फॉलो करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, जो कि क्या होता है शॉर्टर होता है। फिर भी इसका नाम लार्ज क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है वाइडर होता है, ये चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है, लंबाई
स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। इसकी विड्थ के कारण इसको क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये अरेंज रहता है अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था ना कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसको सराउंड करके कौन रखेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इस जैसे इसकी शेप पाई गई है। ये जनरली सिक्रेट करता है म्यूकस को। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये कलेक्ट हो जाता है फिकस के रूप में इन द रेक्टम, जो रेक्टम जो लोअर जो रीजन होता है, ठीक है, एंड वाला रीजन जो रेक्टम होता है, ये लीड करता है 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल में, जो कि एक्सटीरियर होता है एनस के। फिकल मैटर जो होता है वो इजेस्टेड आउट होता है थ्रू द एनल ओपनिंग बाय द एक्टिविटी ऑफ एनल स्फिंक्टर। यस, जो हमारा जो इजेशन होता है ये कंट्रोल किया जाता है बाय द एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा पोर्शन था लार्ज इंटेस्टाइन का। सो अभी हमने जो ह्यूमंस में डाइजेशन है उसको कंप्लीट किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे रही हूँ इसका, ठीक है। सो यहाँ पे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है यानी कि टेकिंग ऑफ फूड। देन इंजेशन के बाद में डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का, किसमें, स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस में। देन डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा ना उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी सेल्स के द्वारा। देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद में असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको हम यूटिलाइज भी तो करेंगे, उसका यूज करेंगे, सो दैट हम उससे एनर्जी प्रोवाइड कर सके या फिर नया प्रोटोप्लाज्म बना सके, ठीक है। देन फिर असिमिलेशन के बाद इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसका रिमूवल किया जाता है हमारा इजेशन प्रोसेस के थ्रू। सो ये हमारा प्रॉपर पूरा ह्यूमन डाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।